उत्तर प्रदेश बीजेपी में नई टीम को लेकर बीते कुछ दिनों से अटकलें चल रही हैं। हालांकि इन अटकलों के पीछे कई वजह भी दिख रही है, लेकिन पहले डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और फिर अब सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी के दिल्ली दौरे से पहले राज्य में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री बीजेपी आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उनके मुलाकात से पहले राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। दरअसल यूपी में बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर नए प्लान पर काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी नई टीम के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करना चाहती है। इस वजह से नई टीम को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं। इन्हीं अटकलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दिल्ली जाएंगे। इस दौरान सीएम योगी पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि केंद्रीय आला कमान से मुलाकात और चर्चा के विषय को लेकर अभी तक स्पष्ट पार्टी की ओर से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दूसरी ओर इससे पहले डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी दिल्ली गए थे। तब डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, जबकि इससे पहले यूपी में गठबंधन के निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद दिल्ली गए थे। तब संजय निषाद ने पहले पीएम मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन इस बीच पहले डिप्टी सीएम और फिर अब मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरों ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। हालांकि सूत्रों की माने तो बदलाव का समय नगर निकाय चुनाव के समय और ऐलान पर निर्भर करेगा।